नमस्कार, मैं हूं सौरभ। इस समय हम आजमगढ़ में खड़े हैं, जहां पे नगर पालिका द्वारा जगह जगह शौचालय बनाया गया था, जिसको आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन का प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं, उसी वहीं पे आजमगढ़ में किस तरह से शौचालय बनाया गया, अभी तक खुल नहीं पाया है, ताला भी नहीं खुल पाया कि तीसरा शौचालय गिर गया है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वह तीसरा शौचालय भी दिखाएं कि किस तरह गिर गया है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि कब से बना है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग बताएंगे कब से बना, अभी तक क्यों चालू नहीं हो पाया, आखिर क्या कारण है कि यह आजमगढ़ की नगर पालिका इन बने हुए शौचालयों को अभी तक चालू नहीं कर पाई। क्या नाम है आपका? मिथिलेश चौरसिया नाम। मिथिलेश जी, आप इसी जगह के रहने वाले? जी सर, यहीं के रहने वाले। ये कितने दिन हो गया इस शौचालय को बने हुए? सर, इसे बने तो एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है। एक साल तक हो गया है। जी जी। अभी क्या कारण कि नगर पालिका आजमगढ़ इसको चालू नहीं करा पाई? देखिए, स्थानीय सभासद द्वारा ये निर्माण कराया गया है नगर पालिका द्वारा, और हमने कई बार सभासद महोदय से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि सर, अभी हम लोगों की पेमेंटें रोक दी गई हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि सर, हमने बनवाया लेकिन अभी इसे चालू नहीं करवा पाए हम। आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं शौचालय अभी तक खुल नहीं पाया है, नगर पालिका क्या क्यों नहीं ध्यान दे रही इस बात? देखिए, हमारी सरकार कटिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि सभी लोग शौचालय का इस्तेमाल करें। हमने इसमें कई बार सभासद से कहा, लेकिन सभासद जी का रवैया जो कहनाम रहा ये कि नगर पालिका द्वारा हमें पेमेंट नहीं दिया गया, और ये शहर में लगभग सारी जगहों पे सारे शौचालय बंद हैं। अच्छा, अभी दो शौचालय तीन बना था, एक गिर गया, इस संदर्भ में क्या किस तरह का निर्माण हुआ है? निर्माण तो सर आपके सामने है, अगर गुणवत्ता युक्त अगर ये शौचालय निर्माण हुआ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। विवेक जी, ये बताइए, शौचालय बने हुए कितने दिन हो गए? लगभग 1.5 साल है, 1 साल। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ उत्तर प्रदेश का नारा दे रहे हैं, आजमगढ़ नगर पालिका द्वारा यह बनवाया गया है, अभी तक चालू नहीं हो पाया, ताला ही बंद है। उस समय देखिए, एक गलत बात है, और नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको खुलवाना चाहिए, और डेफिनेटली इट्स बहुत ठीक नहीं है, गलत बात है, इट शुड बी नॉट, नहीं होना चाहिए ऐसा। और क्योंकि यहाँ पे अभी भी कई लोग बाहर जाते हैं, और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके लिए तो राहत बनेगी। दूसरी बात, ये जो शौचालय है एकदम चौराहे पे है, यहाँ पे कुछ लोग बसों से भी उतरते हैं, तो कम से कम इस अगर खुला रहेगा तो आम आदमी, आम महिलाओं कम से कम वो यहाँ तो जा तो सकती हैं, लेकिन बंद उसका क्या मतलब है? तो निश्चित यह गलत है, इसको खुलवाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि यह मेन चौक पर है, बवाली मोड़ पर, तो मजबूरन लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है टॉयलेट वगैरह के लिए, तो जो कि गलत बात है, ये सार्वजनिक स्थल है तो इसको खुलवाना चाहिए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विनीत सिंह रिसु जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो आजमगढ़ की नगर पालिका ने जगह जगह पे शौचालय बनवाया है, कहीं गिर गया है, अभी ताला बंद है, उस पर इनका क्या राय है? जी बिल्कुल, वो जो शौचालय नगर पालिका के द्वारा आजमगढ़ में जितने भी बनवाए गए हैं, ये केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बनवाए गए हैं। उस शौचालय में अगर कोई जाकर बैठता है तो वो घटना का शिकार होगा, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो भ्रष्टाचार किया गया, अगर ये शौचालय सही थे तो उनके ताले अभी तक क्यों नहीं खुले, और अगर मानक के अनुरूप बनाया गया अगर, तो वो शौचालय काम क्यों नहीं कर रहे और गिर क्यों ऐसे जा रहे हैं? अगर नगर पालिका के लोग अगर सही कार्य किए तो उनका ताला खोल दें, और अगर ताला नहीं खोलता तो जिला अधिकारी महोदय उस पर कड़ी कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासनिक अमला उस पर मिला हुआ भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि शौचालय जगह जगह गिर रहे हैं, और जिससे घटनाएं भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी की बाइक खड़ी है, साइकिल खड़ी है, दब जा रही है, किसी को पता नहीं कि शौचालय गिरने वाला है। तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, उनसे जब बात करने की हम कोशिश करते हैं, जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, तो वो कार्यालय पर मिलते नहीं हैं, वो कभी रहते ही नहीं हैं, और फोन पे बात करने के बाद मालूम होता है कि वो कहते हैं कि हमको पूरे नगर की जिम्मेदारी है, हम कार्यालय पर कैसे बैठेंगे। तो ये बड़ी समस्या आजमगढ़ के लिए है, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है
उसको रोकने के लिए सभी लोगों को, सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और आम जन को आगे आकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि जो ये भ्रष्टाचार शौचालय के नाम पर हुआ है ये होना बंद हो। क्योंकि शहर में जब लोग शौचालय के लिए जगह खोजते हैं तो किसी चौराहे पर जगह नहीं मिलती है, और अगर कहीं शौचालय दिखता है तो उसमें ताला लटका रहता है। एक नगर पालिका के ईओ महोदय के कार्यालय पर ताला और दूसरा ताला शौचालयों के बाहर लटका रहता है। आखिर जब शौचालय पर ताला लटकाना था तो ये निर्माण क्यों करवाया गया और जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग क्यों किया गया? सरकार तो बहुत अच्छा स्वच्छ भारत मिशन पे काम कर रही है, लेकिन जो आजमगढ़ की नगर पालिका है ये सरकार को बदनाम करने का काम शुरू से किया और आज भी कर रही है। ये सरकार को बदनाम करने के लिए रोडों को, लोगों को चौराहों पर मजबूर कर रही है शौच और बाथरूम करने के लिए। ये दुर्भाग्य आजमगढ़ का कि आजमगढ़ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए यहाँ का प्रशासन तैयार नहीं है। इस समय हमारे साथ आजमगढ़ के भाजपा के जिला मंत्री हरबंद मिश्रा जी, इनसे हम बात करेंगे। जहाँ एक तरफ आपकी सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा दे रहे, उसी जगह आजमगढ़ नगर पालिका द्वारा यह यूरिन शौचालय बनवाया गया, गिर गया जैसा आप देख रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जैसी कि आपने कहा उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकार स्वच्छता पे पूर्णतः ध्यान दे रही है। चूँकि कुछ अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने रेड लाइन खींच दिया है कि अगर सही से काम नहीं करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो या तो सीमा के बाहर चले जाओ या तो जेल में चले जाओ। गुंडे जैसे वो करते हैं उसी तरीके से इन्होंने कहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे यो जो अशासी अभियंता है ये महाभ्रष्ट है, ये सरकार को बदनाम कर रहा है। कितनी बदनाम सरकार हो जाए उसका प्रमाण पत्र ये है, ये केवल ठेकेदारों से अपना कमीशन लेके काम करवा रहा है, जिसकी सूचना सीसी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी को दिया है। आज अब प्रमाण आपने दिखाया है, इसका कल भी हम लोग मिल करके देंगे कि आखिर इस तरीके से जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को केवल बदनाम किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर उनकी कमी नहीं रहती तो क्यों भागता, कमी उसकी भी है तो उनको तो सामने फेस करना चाहिए। जो ये बनाया है ठेकेदार उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, आखिर भाग क्यों रहे हैं तो स्पष्ट हो जाता है। हम लोग इस पर भी कल जिला अधिकारी महोदय से बात करेंगे, और अगर इस पर हम लोग जिला अधिकारी से बात करके अपने जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे, ऐसी स्थिति है, और इसको लिखा पढ़ी करके ऊपर तक पहुँचाएं। चीज़ हम बता दें कि सरकार अभी 5 साल की सरकार है हमारी, ठीक है। अभी हम लोग कितना ठीक किए हैं, हम तो मानते हैं कि 80% ठीक कर ले गए हैं, लेकिन 20% ये नज़ारा है 20% का। आजमगढ़ की नगर पालिका के लिए क्या आपका कदम अगला होगा? देखिए, नगर पालिका के जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी लोगों के यहाँ पैसे आ रहे हैं, ये केवल भ्रष्टाचारी में आ रहे हैं। क्योंकि इसका हम लोगों ने, मैंने कहा ना कि एक बार हम लोगों ने वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए बुलाया था, ये लोग नहीं आए थे, तो हम लोगों ने जब झाड़ू उठाया था तब इन लोगों की पट्टी खुली थी। ये यो महाभ्रष्ट है, इसके ऊपर जितनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए ये करना चाहिए, इसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे। शासन रहते हुए भी आजमगढ़ के नगर पालिका के अधिकारी इन लोगों की नहीं सुन रहे, और शौचालय किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा उसको आप जान सकते हैं। नमस्कार। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।